हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से रिलेटेड। एंड अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन चाहिए कि बेसिक जो नॉलेज होती है कंप्यूटर की, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस जो है अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको जो हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है, कंप्यूटर का कीबोर्ड, लैपटॉप का कीबोर्ड, उसकी वर्किंग जाननी है, तो उससे रिलेटेड वीडियोज भी जो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करोगे तो आपका जो फ्रंट पेज आएगा वो इस तरीके से आएगा। और मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का वर्जन है वो 11 है। आपका में भी अलग हो और ये पैटर्न भी अलग तरीके से हो। आपका जो है, जो पुराने वर्जन थे उनमें यहाँ पर ऑफिस बटन शो होता था, वहां पर जब हम क्लिक करते थे तो न्यू, ओपन, सेव, ये वाले जो ऑप्शन है वहां पर ओपन होते थे। और ये न्यू वर्जन में ऐसे ही, मतलब एक जो टैब है उसमें इंक्लूड कर दिया है इनको, फाइल टैब में। तो ये देखो हमारे पास में इनके जो है, साथ में आपको शॉर्टकट कीज भी बताऊंगी। जैसे न्यू है, न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल एन होती है। मोस्टली जो हमारी शॉर्टकट कीज होती है वो कंट्रोल के साथ होती है। आप हमारा, आपका जो कीबोर्ड है उसके आपके लेफ्ट कॉर्नर में चेक कर सकते हो, ठीक है, वहां पर कंट्रोल बटन होता है। उसके साथ ही हमारी ऑलमोस्ट सारी कंट्रोल शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे न्यू की होगी। और जो जो भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है उनका फर्स्ट जो लेटर होता है उसके साथ ही मोस्टली होती है। जैसे कंट्रोल एन होगी न्यू के लिए, ओके, एन, कंट्रोल एन होगी न्यू के लिए, कंट्रोल ओ होगी ओपन के लिए, कंट्रोल एस होगी हमारी सेव के लिए, और सेव एस के लिए हमारे पास F12 होता है, और कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होगी। इस तरीके से इनकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं। और जो यहाँ पर हमारे पास ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके हम जो है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं और हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से ओपन होता है। और इसको हम बोलते हैं, जो ये इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। और इसमें जो ये अलग अलग, इसको होम, इंसर्ट, ये हमारी टैब्स होती हैं, ड्राइंग, लेआउट, रेफरेंसेस। और इसके नीचे जो ये इसको बोलते हैं हम रिबन, जैसे रेफरेंसेस का रिबन हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट, सॉरी, ग्रुप्स हो गए, फुट नोट्स, रिसर्च। उस तरीके से हर एक जो भी टैब है उसका अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे इसमें पेजेस हैं, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशन, इनको ग्रुप्स बोलते हैं हम। और देन उसके बाद जो ये हमारे पास ये शो हो रहा है इसको हम हॉरिजॉन्टल स्केल रूलर बोलते हैं, और इसको वर्टिकल रूलर बोलते हैं। इनको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरीके से दोनों साइड। इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितनी हमें चाहिए। और उसके बाद ये देखो, ये हमारे पास है क्विक बार एक्सेस। और इसमें जो है ये हमारे पास ऑलरेडी इसमें है, ये हमें चाहिए जब हमने कोई भी चीज क्विकली हमें हमें फाइंड हमें चाहिए तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट। और ये देखो इससे रिलेटेड हमारे पास ये ऑप्शन ओपन होते हैं। जैसे ये मोर कमांड से हम और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और जैसे हमने सेव चाहिए तो सेव को ऐसे ऐड कर सकते हैं, वैसे सेव ऑलरेडी यहाँ पर होता है तो सेव को हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर और भी हमारे पास ऑप्शन है, इनको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ये ओपन है, ओपन को यहाँ से देखो, ये ओपन वाला ऐड हो गया। और अगर हमको और कमांड चाहिए तो मोर कमांड में जाके हम यहाँ पर देखो, ये बहुत सारी कमांड्स है, इनको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर हमको ऑल कमांड चाहिए, ऑल कमांड, सारी कमांड्स आ जाएंगी। और अगर हमने किसी पर्टिकुलर टैब से रिलेटेड लेना है, जैसे होम टैब से रिलेटेड हमने उनको ऐड करना है तो उनको यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमने बोल्ड ऐड किया, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर हमने किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से इजीली हम उनको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से हमने ओके जरूर करना है। देन इस तरीके से देखो यहाँ पर बोल्ड आ गया है, ठीक है, ओपन आ गया है। इस तरीके से अंडू, ये हमारे पास क्विकली जो हमें चाहिए उनको हम यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर आपको आपका जो पेज है, यहाँ पर फिलहाल हमारे पास वन पेज है। और अगर आपको और पेज चाहिए तो यहाँ से आप ब्लैंक पेज ले सकते हो। देखो अब हमारे पास टू हो गए हैं और हम सेकेंड पेज पर है। और अगर हम फर्स्ट को क्लिक करें तो मतलब मीन्स हमारे पास पेज टू है और हम फर्स्ट पेज पर है। तो यहाँ पर आपको वर्ड भी शो करेगा लेकिन हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। सो फिलहाल हमारे पास जीरो वर्ड शो कर रहा है। और इस साइड आप जो है ये जूमिंग की ऑप्शन है, आप यहाँ से जूम वगैरह कर सकते हो अपनी अपने डॉक्यूमेंट को।
और ये व्यू का फॉर्मूला बताते हैं जिससे हम क्या है जो भी ये वर्ड से रिलेटेड रैंडम डेटा है उसको पिक कर लेता है वो फॉर्मूला। जैसे मुझे ऐसे कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सॉरी जब हमने ये जो हमारे पर बटन साइन को अगर हमने अप्लाई करना है तो हमारे पास पहले जो है टेक्स्ट होना चाहिए। तो कुछ भी ऐसे रैंडम टेक्स्ट फिल करने की बजाय हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इक्वल आर ए एन डी रेन और शिफ्ट के साथ आप 9 को प्रेस करना और देन शिफ्ट के साथ ही 0 को प्रेस करना। हम बोल सकते हैं कि ब्रैकेट्स को हम ले आएंगे यहाँ पर और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। देन हमारे पास ये देखो ये हमारे पास इस तरीके से टेक्स्ट आ जाएगा। ये टेक्स्ट हम यूज करेंगे इनको यहाँ पर जो ये फंक्शंस है इनको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो अब देखो सबसे पहले अंडू है, अंडू का तो आपको पता ही है अगर हमने अंडन और रीडन करना है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ अप्लाई किया, जैसे ये हमने अप्लाई कर दिया इस पर, ठीक है, और हमसे जो है गलती से ये डिलीट हो गया, जैसे मैं बैक स्पेस कर देती हूँ तो हमें ये वापस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अंडन कर सकते हैं और ये देखिए हमारे पास आ जाएगा। अगर आपसे कोई भी डेटा गलती से डिलीट हो जाता है तो आप अंडन कर सकते हैं, और रीडन है उसे दोबारा से फिर से मतलब कि डिलीट करने के लिए। तो ये इस तरीके से अंडन और रीडन जो है इनका हम यूज करते हैं, और इनके शॉर्टकट कीज देखो ये साथ में ही है। जो अंडन होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जेड होती है, और जो हमारे पास रीडन होता है उसकी कंट्रोल वाई होती है। तो ये दोनों हमारे पास शॉर्टकट की होती है। उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं क्लिप बोर्ड पर। क्लिप बोर्ड पर ये हमारे पास कट का ऑप्शन है, पेस्ट का सॉरी कॉपी का है और पेस्ट का है, और इनकी शॉर्टकट की भी आपको पता ही होगी कट की होती है कंट्रोल। तो ये उससे रिलेटेड हमारे पास जैसे ये कीबोर्ड पर ये बटन्स होते हैं, ये XCV तीनों बटन इकट्ठे होते हैं, कट और कॉपी और पेस्ट का XCV, और साथ में ये अंडू का बटन भी इसके साथ ही होता है। जैसे ये हमारे पास जेड बटन है तो ये अंडन के लिए होता है, तो ये तीनों चारों बटन्स जो है लेफ्ट साइड में इकट्ठे ही होते हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो है इनको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हम इस किस तरीके से इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास ये कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन है, पहले हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, तो हम जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद देन हम जब कट पर प्रेस करेंगे तो ये देखो इस तरीके से ये जो डेटा है वो कट हो जाता है। और इनका जो डिफरेंस मेन क्या है कट और कॉपी में, कट में वहां पर डेटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है और कॉपी में डेटा वहां पर भी रहता है, नेक्स्ट जहां पर हम प्लेस करेंगे वहां पर भी चला जाता है। जैसे देखो ये कर्सर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ तो हम पेस्ट करेंगे तो वो मटेरियल यहाँ पर जो है पेस्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से हम जैसे इसको अब कॉपी करने लगे हैं तो इसको हमने सिलेक्ट किया और हमने कॉपी पर प्रेस किया तो कॉपी का हो गया एक्टिव। उसके बाद हम देखो ये अब हम इसको पेस्ट करेंगे तो जब हम पेस्ट करते हैं तो ये देखो ये जो डेटा है वो वहां पर भी है, वर्ड प्रोवाइडर हेडर फुटर और देन नीचे भी वो वाला पैराग्राफ जो है वो नीचे भी आ गया है। तो इनका डिफरेंस यही था कि कट वहां से कट कर देता है जो मटेरियल है, कॉपी उसको कट नहीं करता वहां से, ठीक है। तो ये इनका मेन जो डिफरेंस था यही था। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है फॉन्ट का, और ये इस फॉन्ट में जो ये सारे हैं हमारे पास फंक्शंस इनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखो पहले हमने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ को, तो हम इस तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, थीम फॉन्ट बोलते हैं इसको। जैसे ये जो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ देखो उनका साथ में आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा है। तो हम जैसे आपने असाइनमेंट्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो बेस्ट होता है, और यहाँ से हम जो है साइज जो है इसका साइज जो है उसे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये 72 तक होता है हमारे पास हाईएस्ट, और 8 जो होता है मिनिमम होता है। अगर आपको 72 से अबव चाहिए तो आप यहाँ से जो है साइज और इंक्रीज कर सकते हो, और अगर आपको 8 से कम चाहिए तो आप यहाँ से और भी डिक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इनको साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जो बेसिक आपको रखना है साइज आपके जो आपका डेटा है उसका साइज आपको 12 रखना है। अगर आपके पास हेडिंग है तो हेडिंग का आप 14 या 16 रख सकते हो। नॉर्मल जो डेटा है डेटा होता है उसका 12 साइज इनफ होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है नेक्स्ट हमारे पास है ये देखो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, इस तरीके से ये हमारे पास जो भी डेटा है वो नॉर्मल केस में है। अगर हमने इसे
सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो जैसे ये देखो डब्ल्यू सी ओ ये सब जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। और अगर आपने अपर केस अप्लाई करना है तो सारे जो है लेटर्स हमारे वर्ड्स हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आपको कोई हेडिंग वगैरह क्रिएट करनी होती है, आपने पहले लिख लिया तो उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसे सिलेक्ट करके अपर केस जो है अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें पहला जो वर्ड है हमारा वो कैपिटल हो जाता है इस तरीके से। और जो टोगल केस होता है इसमें क्या होता है, ये ऑपोजिट कर देता है, अगर हमारे पास कैपिटल है तो उनको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये जो है ये यूजलेस है, तो इसका यूज नहीं होता है, तो हम नॉर्मल सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। देन हमारे पास ये बोल्ड है, बोल्ड क्या करता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है इसको, जैसे ये बोल्ड कर देता है। और इसमें क्या है हमारे पास जो शॉर्टकट कीज है वो साथ में ही है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। इटैलिक हमारे पास क्या करेगा, ये टिल्ट कर देता है डेटा को इस तरीके से थोड़ा सा। और अंडरलाइन में आप जो है कोई भी अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से और भी अंडरलाइन देख सकते हो, डैश वगैरह जो भी आपको चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो। और आप देख सकते हो जब इस पर है हम तो ये जो है हाईलाइट नहीं हो रहा, जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये देखो हाईलाइट हो गए तीनों, तो ये शो करता है इस डेटा पर क्या क्या अप्लाई किया हुआ है, जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो इस पर ही दोबारा क्लिक कर दो, पहले आपको सॉरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट जब आपने किया तो इसको रिमूव कर सकते हो इस तरीके से, इटैलिक को रिमूव करना है वो हो जाएगा, सबको इस तरीके से ही आप रिमूव कर सकते हो। देन जो हमारे पास ये होता है स्ट्राइक थ्रू, ये क्या होता है, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, मतलब कि जो है एक लाइन सेंटर से पास होगी इसके, जैसे हमने पहले इसे सिलेक्ट किया तो अब हमने स्ट्राइक थ्रू जो है वो अप्लाई किया, तो इस तरीके से ये हो जाती है। और इसका भी हमारे पास कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर हमसे कोई गलती से डिलीट हो गया तो हम उसे बैक स्पेस कर देंगे, तो इसका भी कोई हमारे पास यूज नहीं होता। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जैसे ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, हम जो है एच टू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये देखो हम नॉर्मल जो है एच लिखते हैं, सॉरी हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं नॉर्मल, जैसे मैंने नॉर्मल लिखा एच। और अगर हमने टू जो है वो उसके मतलब कि सबस्क्रिप्ट में अप्लाई करना है तो इस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस, और जैसे इस तरीके से अब हम टू लिखेंगे तो नीचे चला जाएगा। अगर हमने ओ दोबारा से अब लिखना है तो इसे फिर से हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो ओ जो है साथ में लिखा जाएगा, तो इस तरीके से आपको फिर से ओ प्रेस कर सकते हो। और अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो वो आपके जैसे पार अप्लाई होती है, जैसे हमने 11th लिखा और नॉर्मल लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा। और अगर आपको टीएच ऊपर चाहिए पावर में तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इसका कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है शॉर्टकट की, तो आप इस तरीके से टीएच लिखोगे और फिर से आप इसे हटा देंगे तो नॉर्मल जो है हम नॉर्मल आगे नॉर्मल लिख सकते हैं जो भी है डेटा इस तरीके से। और ये हमारे पास होता है फॉन्ट को स्टाइल देने के लिए इस तरीके से, जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे ये देखो ये मैंने कोई भी अप्लाई किया और हमने ये देखो इस तरीके से कंप्यूटर कंप्यूटर क्लासेस इस तरीके से ये हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉन्ट ही रहेगा, हमें इसे हटाना पड़ेगा फिर से इस तरीके से। और देन ये हमारे पास जो होता है ये टेक्स्ट हाईलाइट होता है, जैसे ये देखो हमने इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप टेक्स्ट हाईलाइट अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, तो ये टेक्स्ट जो है सॉरी व्हाइट हुआ हुआ था, येलो अब हम कर देते हैं, अब देखो जो ये है इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, पहले डेटा को सिलेक्ट कर लो और उस तरीके से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, और देन जो उस पर ही क्लिक करके जो ये है कर्सर इस तरीके का चला जाएगा। और अगर आपने इसको जैसे कलर देना है कोई तो आप यहाँ से कलर दे सकते हो, जैसे ये देखो ब्लू कलर हो गया तो आपको इस तरीके से शो होगा, मतलब टेक्स्ट को कलर दे सकते हो इससे, तो ये टेक्स्ट का स्टाइल दे सकते हो, इसको हाईलाइट यूज कर सकते हो, इससे आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। तो ये हमारे फॉन्ट के सारे ऑप्शंस थे। और ये हमारे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है, ये क्या करता है, जो भी हमने अभी ऑप्शंस अप्लाई किए हैं, फंक्शंस अप्लाई किए थे, उन सबको क्लियर कर देगा, जैसे उससे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया तो आप जैसे क्लियर हम
क्लिक करेंगे तो ये देखो ये सारा जो है पहले वाले में कन्वर्ट हो गया, कैलिबरी डेटा हो गया, 11 हो गया, ये सब जो है रिमूव हो गया। लेकिन हाईलाइट को अगर आपने रिमूव करना है तो उसे सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, वापस हाईलाइट में जाकर नो कलर कर दोगे तो हाईलाइट जो है वो इस तरीके से रिमूव हो जाता है। इस तरीके से ये हमारे ओके फ्रेंड्स, तो हम पैराग्राफ ग्रुप करने से पहले हम जो है ये हमारा क्लिपबोर्ड का एक जो ऑप्शन था ये फॉर्मेट पेंटर, ये फंक्शन हमारा पेंडिंग रह गया था। पहले आज हम फॉर्मेट पेंटर को कंप्लीट करते हैं, देन हम पैराग्राफ जो ग्रुप है उस पर जंप करेंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि जो हमारे पास कट कॉपी और पेस्ट थे, इनके शॉर्टकट कीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। कट का होता है कंट्रोल एक्स और कॉपी का होता है कंट्रोल सी एंड पेस्ट का होता है कंट्रोल वी। और ये जो है जो हमारे पास ये डेटा था उसको कट करके पेस्ट कर देता था, लेकिन जो ये फॉर्मेट है इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो फॉर्मेटिंग जो भी हम अप्लाई करते हैं उस फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर देता है। सबसे पहले तो हम जो है एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया और इस पर हमने इसको बोल्ड कर दिया है और साइज भी इंक्रीज कर दिया है। इस तरीके से इसकी जो एडिटिंग मैंने ये इस तरीके से कर दी है, और इसमें हम थोड़ा सा जैसे अपर केस कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो एडिटिंग है इसको अगर हमने कॉपी करना है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और हम जो है इस पर मतलब कि जो हमारा फॉर्मेट पेंटर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ये देखो इस तरीके से ब्रश टाइप जो आपको ये दिख रहा है इस तरीके से ये शो होता है, और जहां पर भी हमने इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है उस पर आप जाकर इसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो ये फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी हो जाती है। तो ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर, और इसका शॉर्टकट की भी ये साथ में शो हो रहा है। इसमें हमारे पास अगर हमने कॉपी करना है कंट्रोल शिफ्ट सी हम कॉपी के लिए यूज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी जो है वो हम पेस्ट के लिए यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। और देन हम और पैराग्राफ ग्रुप में देखो ये क्या है, सबसे पहले हम अलाइनमेंट को करेंगे। अलाइनमेंट क्या होती है, पैराग्राफ जो है मींस जो हमारे पास यहाँ पर जो भी मटेरियल है उसको अलाइनमेंट देनी, जैसे लेफ्ट साइड उसको करना या राइट साइड करना या सेंटर में रखना उसको इस तरीके से। और इनकी शॉर्टकट कीज भी साथ ही है, लेफ्ट अलाइनमेंट की कंट्रोल एल होती है और सी सेंटर के लिए कंट्रोल ई होती है, क्योंकि कंट्रोल सी कॉपी के लिए हम यूज करते हैं और कंट्रोल आर जो होती है राइट अलाइनमेंट के लिए होती है, और इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। ये दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो ये हमारे पास कंट्रोल जी होता है। मोस्टली हम कंट्रोल मतलब कि जस्टिफाई जो है अलाइनमेंट वही अप्लाई करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स पर। और जैसे ये देखो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, कंट्रोल ए हमने प्रेस किया मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, और अब हम लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये देखो लेफ्ट साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और अगर सेंटर में करेंगे तो इस तरीके से सेंटर में हमारा जो मटेरियल वो आ जाएगा, और राइट साइड पर करेंगे तो राइट साइड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो दोनों साइड से इक्वली जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी अलाइनमेंट। और नेक्स्ट हमारे पास आती है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। तो लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग में हम क्या करते हैं, जितना हम मतलब कि जैसे इसको जो दो लाइंस है उनके इन बिटवीन जो स्पेस है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज इस तरीके से कर सकते हैं। और ये हमारे पास पैराग्राफ के लिए है, हम स्पेस अगर हमने पैराग्राफ के आगे स्पेस ऐड करनी है तो उसको हम ऐसे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये भी हम अगर बिफोर तो इसको आप क्लिक कर सकते हो, आफ्टर रखनी है स्पेसिंग तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आप लाइन स्पेसिंग में यहाँ पर जाकर और ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हो, जैसे ये आप पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो, जो है 1.5 लाइनिंग रख सकते हो, डोंट ऐड स्पेस, अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए दो पैराग्राफ सेम स्टाइल में तो आप इसको टिक कर सकते हो और ओके कर सकते हो। इस तरीके से आपकी जो है स्पेसिंग आ जाती है, और जो हम नॉर्मली रखते हैं वो 1.115 जो है असाइनमेंट के लिए यही हम स्पेसिंग यूज करते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ के कलर के लिए। जैसे हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो हम यहाँ से पैराग्राफ को कलरिंग दे सकते हैं, हम पर्टिकुलर हर एक पैराग्राफ को डिफरेंट कलर हम उन्हें अलॉट कर सकते हैं। जैसे ये देखो इसको मैंने अलग कलर दिया है, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है पैराग्राफ को अलॉट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉर्डर। बॉर्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर बॉर्डर के लिए भी हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, अगर हमने बॉर्डर बॉटम बॉर्डर अप्लाई करना तो इस
तरीके से आप प्रव्यू चेक कर सकते हो, साथ में शो हो रहे हैं, तो लेफ्ट बॉर्डर हो गया, राइट बॉर्डर हो गया, और अगर हमने आउटसाइड बॉर्डर करना है तो इस तरीके से हम आउटसाइड बॉर्डर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना है तो कंट्रोल ए करके आप जो है इस तरीके से ऑल बॉर्डर जो है ये वाला ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, तो जो है हर एक पैराग्राफ पर हमारे पर जो है बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो इस तरीके से जो भी हमारे पास पैराग्राफ है उन सब पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जाकर नो बॉर्डर भी कर सकते हो, तो इस तरीके से बॉर्डर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट। फर्स्ट हमारे पास है बुलेट लिस्ट, सेकंड है हमारे पास नंबरिंग लिस्ट, और थर्ड है मल्टी लेवल लिस्ट। तो इनकी वर्किंग क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम इनकी वर्किंग कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, जैसे ये देखो इस तरीके से आपके पास जैसे मान लो कोई लिस्ट है, तो इसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे लिस्ट को, और यहाँ से आप जो है बुलेट पॉइंट, कोई भी बुलेट पॉइंट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये देखो जो भी मैं बुलेट पॉइंट सिलेक्ट कर रही हूँ वो उस पर अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट अप्लाई कर सकते हो। और देन अगर आपको नंबरिंग अप्लाई करनी है तो इसको सिलेक्ट करके आप कोई भी जो नंबरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये नंबरिंग है और ये एबीसी, कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, ये रोमन्स है हमारे पास, इन सबको हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जो है इनको अपने आप से भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे इस पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है डिफाइन न्यू बुलेट, तो आप न्यू बुलेट पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये देखो पहले हम यहाँ पर आते हैं, देखो नीचे हम नेक्स्ट यहाँ पर आ गए हैं, तो हम बुलेट पॉइंट एक ऐड करने लगे, अपना डिफाइन करने लगे। डिफाइन न्यू बुलेट पर जाओगे, सिंबल पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप जो है कोई भी सिंबल जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो एज ए बुलेट पॉइंट। जैसे मैंने ये फ्लावर वाला सिलेक्ट किया है और आप ओके करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट का प्रिव्यू हमें शो हो रहा है। आप कोई पिक्चर वगैरह भी ले सकते हो बुलेट्स के लिए, और ओके करोगे तो ये देखो ये रहा हमारा बुलेट पॉइंट जो हमने अभी ऐड किया था। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो ये जो फ्लावर वाला मैंने लिया था वो आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम बुलेट पॉइंट जो है उनको अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नंबरिंग वगैरह में भी कुछ चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये मैंने अप्लाई पहले से किया हुआ है, ये मैंने डिफाइन किया था। जैसे आप डबल ए लिख लो और इसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी नंबर फॉर्मेट जो है इसको भी डिफाइन कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट पर। ये मल्टी लेवल लिस्ट में जैसे ये मैंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ये व्हीकल से रिलेटेड मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट की हुई है। इसमें टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, इस तरीके से इनमें टू व्हीलर्स को भी आगे हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये टू व्हीलर्स में क्या है। अब इनको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। कोई भी आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट की है और इस तरीके से ये देखो ये शो हो गया है, हमें फर्स्ट आया है, फिर एबीसी जो है टू थ्री व्हीलर फोर व्हीलर के लिए यूज किया, देन उसके बाद देखो इनके लिए रोमन्स जो है उनको यूज किया है। इस तरीके से हम जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट उसको हम यूज कर सकते हैं। और इसमें भी आप जो है अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर आप जाओगे मल्टी लेवल लिस्ट पर, यहाँ से आपको डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन शो होगा, और इसमें आप जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हो। जो पहला लेवल है, जैसे हम मान लेते कि फर्स्ट लेवल हमें कैपिटल एबीसी को रखते हैं, और सेकंड जो हमारा लेवल है उसको हम रखते हैं, सेकंड लेवल को हम रखते हैं रोमन्स में, और जो हमारा थर्ड लेवल है उसको हम रखते हैं स्मॉल एबीसी में। तो इस तरीके से हमारा ये देखो आ गया, फर्स्ट हमारा कैपिटल एबीसी में है, सेकंड हमारा जो है रोमन्स में है, थर्ड हमारा स्मॉल एबीसी में है। तो ये देखो जैसे हम ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। ये देखो करंट लिस्ट हमारी शो हो गई है, कैपिटल वाले, फिर रोमन्स, फिर हमारे पास स्मॉल वाले, और इनको आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये मैंने करंट लिस्ट ली है, हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे इस तरीके से ये आ जाएगा। और अगर आपने इसको चेंज केस करना है तो आप यहाँ पर जाकर चेंज लिस्ट केस अप्लाई कर सकते हो कि पहले आप किसको अप्लाई करना चाहते हो। इस तरीके से ये आया, देन ये देखो ये इस तरीके से आपकी लिस्ट के अंदर लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है। और
नेक्स्ट हम चलते हैं इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पर। इनका क्या काम होता है, जैसे ये देखो इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, जैसे ये हमारी लिस्ट है इसको मैंने सिलेक्ट किया, अगर हम इसको सेंटर में इस तरीके से करते हैं तो ये इररेगुलर होती है और सेंटर में भी प्रॉपर आई नहीं है। तो इसको हम जैसे क्या है इक्वली अगर हमने इसको मूव करना है एज इट इज, तो आप इंक्रीज और डिक्रीज जो इंडेंट है वो यूज कर सकते हो। जैसे इंक्रीज इंडेंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखो एज इट इज ये मूव हो रही है, ये शिफ्ट हो रही है। तो आप हम इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट जो है उनको यूज कर सकते हैं। और आप इसको जैसे पैराग्राफ पर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे ये देखो मैंने पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट किया, तो आप जैसे इसको पैराग्राफ को इवनली इस तरीके से मूव कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट इनके काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है सॉर्टिंग। सॉर्ट में हम क्या यूज करते हैं, अल्फाबेटिकली उनको सॉर्ट करना। जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है इसको हम सॉर्ट करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग में उनको सॉर्ट कर सकते हो। असेंडिंग हो गया ए से लेकर जेड तक और डिसेंडिंग हो गया जेड से मीन्स उल्टा। तो ये देखो जैसे असेंडिंग में हम करेंगे तो ए वाले पहले आ गए, जी एस एस, इस तरीके से ये क्या हो गया सॉर्ट हो गया। और अगर आप इस पर डिसेंडिंग अप्लाई करेंगे तो जो एस वाला वो पहले आ जाएगा और ए वाला जो है वो बाद में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं। और हम जो है नंबरिंग जो लिस्ट है उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। नंबरिंग लिस्ट को हम किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, ये देखो जैसे हमने कोई भी नंबर इस तरीके से अप्लाई किए तो ये देखो तो इनको ये क्या करेगा, ये सॉर्ट कर देगा। ये देखो इस तरीके से नंबर लिस्ट है, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस पर सॉर्ट पर जाओगे तो इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में होता है, तो आप असेंडिंग में जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से 61 पहले आ गया, 754, फिर 755, 765, इस तरीके से हम जो नंबरिंग लिस्ट है उनको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास ये आता है, इसको बोलते हैं शो और साइड हाइड, सॉरी। ये क्या करता है, जो इसका वैसे कोई यूज नहीं होता, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। जब हम पूरे इस पर अप्लाई करेंगे तो ये जो भी हर पैराग्राफ है उसकी एंडिंग में शो होता है इस तरीके से, ये देखो हर पैराग्राफ की एंडिंग में शो होता है। और जहां पर स्पेस है वहां पर हमारे पास ये फुल स्टॉप का जो ऑप्शन है वो शो होने लग जाता है। ये देखो हर जो भी है हमारे पास उसके बैक साइड में ये शो होता है, इसका नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो है पैराग्राफ का जो ग्रुप है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी स्टाइल्स पर। स्टाइल्स में क्या है, पहले इसको मैं उसी तरीके से सेट कर लेती हूँ, जैसे हम इसको, ये पूरा पैराग्राफ सेट हो गया। ये देखो स्टाइल्स में हम क्या है, ये हमारे पास जो होता है नॉर्मल ही है, अगर हमने नो स्पेसिंग करनी है, पहले इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। नो स्पेसिंग में क्या होगा, ये देखो बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगी और हेडिंग के तरीके से इस तरीके से आ जाएगी। और इसमें आप खुद का भी अपना स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ। ये देखो जैसे मैंने ये क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इतने से इसको, और इस पर मैं जो है पहले तो कलरिंग, इसकी फॉन्ट की कलरिंग दे देते हैं हम, इसको साइज इंक्रीज कर लेते हैं और इस पर जो है ये अप्लाई कर देते हैं, जैसे ये अप्लाई हो गया है, और इसको अंडरलाइनिंग कर देते हैं। तो ये मैंने अपना स्टाइल क्रिएट कर लिया। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी हेडिंग्स हो उन पर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो आप पहले इसको अपना स्टाइल कैसे क्रिएट करोगे, इसको क्रिएट करके आप फिर क्या करोगे, इसमें जाओगे और यहाँ पर क्रिएट अ स्टाइल कर सकते हो। तो आपका जो स्टाइल है ये देखो यहाँ पर आपका स्टाइल ये वाला हो गया है क्रिएट, और आप इसको अपना कोई भी नेम दे सकते हो। जैसे मैं हेडिंग्स के लिए यूज कर रही हूँ तो मैं हेडिंग्स लिख देती हूँ, इसमें हेडिंग्स मैंने लिख दिया है, तो इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आपका जो है स्टाइल वो शो हो गया, नेम के साथ मैंने हेडिंग्स नाम दिया था तो हेडिंग्स नेम जो है वो शो हो रहा है। और जहां पर भी हमने इसको अप्लाई करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो अप्लाई हो गया है, इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिटिंग। एडिटिंग में हमारे पास होते हैं फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट के लिए। फाइंड में क्या होता है, वैसे तो फाइंड की पहले शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ और रिप्लेस की कंट्रोल एच होती है। फाइंड में हम किसी भी वर्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल एफ मैंने प्रेस किया तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास नेविगेशन शो हो गया है, ये फाइंड के लिए है। इससे रिलेटेड कोई भी हम वर्ड जो है वो पिक कर लेते हैं, जैसे ये क्लिक काफी टाइम्स हमें शो हो रहा है तो हम क्लिक को जो है यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक को लिखेंगे तो ये देखो इसने हाईलाइट कर दिया है, जहां जहां पर भी क्लिक लिखा हुआ है वहां हर जगह पर इसने उसको सिलेक्ट कर लिया है, हाईलाइट कर लिया है। और यहाँ पर भी हम मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से इस तरीके से मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट कहाँ पर हमने जाना है।
ये तो था फाइंड, और हमारे पास नेक्स्ट होता है रिप्लेस का। रिप्लेस में यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से फाइंड यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी आपको फाइंड जो है वो शो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको रिप्लेस शो हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब होता है अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो, जैसे ये मान लो क्लिक जो जहां पर हमारे पास शो हो रहा था, इसको मैंने रिप्लेस करना है किसी और के साथ, जैसे मैं इसको क्लिक को क्लिक्स के साथ रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये अगर आपने मतलब कि हर जो क्लिक इसमें लिखा हो उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल कर सकते हो। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर को करना है तो आप उसको इससे इसकी हेल्प से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया तो 9 रिप्लेसमेंट्स जो है वो हो गई हैं, तो आप चेक कर सकते हो, सॉरी 12 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, जैसे ये आप चेक कर सकते हो। ये देखो ये हो गया क्लिक्स, क्लिक्स जहां पर भी क्लिक था वहां पर क्लिक्स आ गया है। तो इस तरीके से हम फाइंड और रिप्लेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट जैसे हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल ए, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। सिलेक्ट ऑल करना हो यहां से भी आप कर सकते हो, और कंट्रोल ए जो है शॉर्टकट की वो भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से जो पूरा डेटा है हमारा, चाहे हमारे पास 4 पेज है चाहे हमारे पास 10 पेज है, सबको ये सिलेक्ट कर लेगा। और देन हमारे पास है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये कोई भी हमारे पास इमेज वगैरह जो भी है, जो यहाँ पर इंसर्ट में ही आएंगे, इन सबको जो है चाहे कोई चार्ट है, शेप है, इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं हम इजीली हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जिसकी सिमिलर फॉर्मेटिंग है उनको सिलेक्ट कर दो। जैसे मान लो हमारे पास ये हेडिंग्स हैं, जितनी भी हेडिंग्स हैं हम उनमें थोड़ी सी और चेंज करना चाहते हैं, तो आपको जैसे ये मैंने हेडिंग का इस तरीके से लिया है, तो इनको सिमिलर फॉर्मेटिंग को ये सिलेक्ट कर सकता है। जैसे ये देखो हम इस पर सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ये देखो ये फॉर्मेटिंग थी सिमिलर, इसको इसने सिलेक्ट कर लिया है, और ये देखो यहाँ पर भी इसने सिलेक्ट कर लिया। इसमें अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो आप इजीली इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये था हमारा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये देखो हमारे पास ये जो हमारा होम टैब का ये ग्रुप्स थे वो आज कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इसे इमीडिएटली प्रेस करें, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहें।